अमृतपाल मामले में चूरू पुलिस अलर्ट, जिले में नाकाबंदी कर ली वाहनों की सघन तलाशी। अमृतपाल के फरार होने के बाद से ही पंजाब पुलिस उस पर शिकंजा कसने का हर संभव प्रयास कर रही है। पंजाब पुलिस को अमृतपाल के गंगानगर और हनुमानगढ़ में इनपुट मिलने के बाद सीमावर्ती चूरू पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। चूरू जिले में भी पुलिस ने विभिन्न क्षेत्रों में हथियारबंद नाकाबंदी करवाई। पुलिस की हनुमानगढ़ के बॉर्डर क्षेत्र पर विशेष नजर रही। इधर चूरू जिला मुख्यालय के रतनगढ़ रोड पर कोतवाली पुलिस के द्वारा नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने वाहनों की सघन तलाशी ली। नाकाबंदी में छोटे बड़े सभी वाहनों की बारीकी से जांच की गई और संदिग्ध पाए जाने पर पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई। इसके अलावा पुलिस के द्वारा यातायात नियमों की पालना न करने पर चालान भी काटे गए और वाहनों को सीज भी किया गया। चूरू जिले की सीमा जो दूसरे राज्य से भी लगती है, जिसमें हरियाणा है और इसके अतिरिक्त जो बड़े जिले हैं उनके साथ भी लगती है, तो और मेन हाईवेज भी है, तो यहाँ किसी भी प्रकार के कोई भी अपराधी या फिर NDPS या कोई हथियारों की जब भी सूचना होती है या फिर कोई आकस्मिक नाकाबंदी करनी होती है, तो उस प्रकार से हम नियमित रूप से समय समय पर नाकाबंदी करते हैं, सभी वाहनों को चेक करते हैं और किसी कोई वांछित अपराधी है उसकी धरपकड़ के लिए ये पूरी तरीके से जो गंभीर तरीके से तैयारी के साथ जो नाकाबंदी होते हैं वो करते हैं। और इसी क्रम में हम आज दिन में IG साहब के आदेश से 12 से 5 के बीच में भी नाकाबंदी है, और जब भी कोई इनपुट होता है, किसी तरह की सूचना होती है या फिर प्रोएक्टिव करके भी हम